उधर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने सिद्धू के सलाहकार पर निशाना साधा, बताया कि तालिबानी सोच के लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश को तोड़ने वालों की कोई जगह नहीं है पार्टी में। देखिए, तालिबानी सोच के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, जो कश्मीर को कहे कि भारत का अंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में आकर के अपना झंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो, आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए, आपको पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, आपको आतंकवादियों की बोली नहीं बोलनी चाहिए, आप देशभक्त की बात करो, देश की बात करो। इंदिरा गांधी के बारे में भी उनके मैगजीन में छपा हुआ था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की जो सोच है, उस सोच जो है वो देश की विचारधारा के खिलाफ सोच है।